जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों रियलमी वन में कलर OS 5.2 का अपडेट आ चुका है, तो दोस्तों फटाफट से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने तो डाउनलोड कर लिया है और इसके जो फीचर्स है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों रियलमी वन के अपडेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाएगा सेटिंग में, ये 2.13 GB का एक अपडेट है। ये अपडेट आप करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों जो स्वाइप का जो प्रॉब्लम था वो भी हट गया, हेडसेट आइकॉन का भी ऑप्शन जो था वो आने लगा है। और जो डिवाइस को हम जो दोस्तों डेवलपर मोड में ले जाते थे तो ऊपर एक साइन आता था, वो भी अभी हट गया है। और दोस्तों बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में कलर ओएस 5.2 को अपडेट कर लिया है। और दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं ये बहुत सारे इम्प्रूव किया गया है। दोस्तों वीडियो में भी स्लो मोशन आया है और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आइकॉन्स में आया है और बहुत सारे जो स्वाइप के जो प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक मल्टीटास्किंग के लिए सामने एक बार ऐड कर दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। और दोस्तों हम अगर ड्रैग करते हैं लेफ़्ट साइड में तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करेंसी कन्वर्टर और स्कैन डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे अलग अलग फ़ोटो स्कैन के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि पहले मोबाइल में नहीं थे। जो अपडेट के बाद यहाँ मुझे ओ रोमिंग का एक आइकॉन दिखाई दिया है। तो दोस्तों इस फैसिलिटी का यूज़ करके आप किसी भी देश के मोबाइल ऑपरेटर टावर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। दूसरा आपको आइकॉन दिख जाएगा स्मार्ट स्कैन का। दोस्तों इसका यूज़ करके आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सिंपली स्कैन करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर उसकी फ़ोटो खींच के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे गूगल टेक्स्ट या गूगल इमेज ट्रांसलेटर का था। तो दोस्तों ये ऑप्शन पहले यहाँ पे नहीं था। और दोस्तों यहाँ पे और एक आइकॉन आपको दिख जाएगा गेम स्पेस का, जो कि सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि गेम एक्सेलरेटर काम करता था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अभी रियलमी ने इसको और इम्प्रूव किया है कि जो गेम हम खेलते हैं उस समय जो बहुत सारे प्रोग्राम्स रनिंग रहते हैं वो उसको शट डाउन कर देता है और गेम की जो स्पीड है हमें अच्छी मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी नोटिफिकेशन स्वाइप वाली, वो रियलमी की तरफ से इस अपडेट में सॉल्व कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यदि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ नोटिफिकेशन स्वाइप करता हूँ तो डिलीट का ऑप्शन आता है, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करता हूँ तो ये ऑप्शन चले जाता है और हमारा जो नोटिफिकेशन है वो इजीली स्वाइप हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू बोल सकते हैं, बग बोल सकते हैं, ये इस अपडेट के जरिए सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों एक और बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया गया, अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इसे तुरंत ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और वीडियो को MP3 के जरिए भी हम सुन सकते हैं एक क्लिक करने पर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे अपडेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन में मल्टीटास्किंग के लिए एक मेनू बार ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप बहुत तेज़ी से अपनी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी और एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट में हमें यह वाला फीचर भी मिल चुका है। दोस्तों स्लो मोशन वीडियो के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वीडियो अभी आप देखते रहिए। बहुत सारे नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमोट मैनेज फ़ोन में आपको जो कंप्यूटर से जो फाइल है या फिर मोबाइल से जो फाइल है, बिना किसी केबल के, बिना किसी वायर के, USB के, आप इसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स प्रोवाइड किया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्लो मोशन वीडियो की और वो कैसे हम बनाएंगे और उसे कैसे ऐड किया गया है। दोस्तों यहाँ हम अगर किसी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और उसके एडिट के ऑप्शन में जाते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे पहले जो ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया था अभी प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ पे आप स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्लो मोशन वीडियो बनाना है तो आप एक नॉर्मल वीडियो बनाइए और यहाँ पे सिंपली आप वीडियो में चले जाइए एडिट के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको स्लो मोशन वीडियो भी बन जाएगा और फास्ट फॉरवर्डिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया गया जो पहले नहीं था। यहाँ पे दोस्तों आप इससे म्यूज़िक साउंड बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है वो दे सकते हैं और अपनी स्लो मोशन में या फास्ट फॉरवर्डिंग में वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने
वीडियो बनाया है स्लो मोशन में, और यहाँ पे मैं एक साउंड ऐड कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एफएक्स इफ़ेक्ट भी आप डाल सकते हैं जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे एफएक्स इफ़ेक्ट के इस ऑप्शन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और वीडियो में आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्लो मोशन वीडियो बनाने का एक जरिया, जो कि आप फास्ट सिंपली एक वीडियो बनाइए मोबाइल से और आप इसमें एडिट कर सकते हैं, 2 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा। दोस्तों पे अगर आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट भी ओपन हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया अपडेट के बारे में, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।